अब देखिए यहाँ पे, अभी तक अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपको लिखना होगा मरकरी कॉलम के टर्म में, तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको मरकरी कॉलम के टर्म में जब लिखते हो तो आप कितना लिखते हो, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द 760 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम एब्सोल्यूट, ठीक है। तो वो कौन सा प्रेशर है, दैट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर है, जो हम किस कॉलम के टर्म में बता रहे हैं, जो हम मरकरी कॉलम के टर्म में बता रहे हैं, ठीक है, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब आप क्या लिखते हैं, तब आप लिखते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, और ये कौन सा प्रेशर है, दैट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, चलो मेरे को तो मरकरी कॉलम के टर्म में मेरे को पता है, अब मैं किसी और दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में पूछूं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछ रहा हूं बेंजीन कॉलम के टर्म में, जिसकी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.88, या मैं आपको पूछ रहा हूं वाटर कॉलम के टर्म में, या फिर आपके पास पेट्रोल कॉलम के टर्म में, या फिर केरोसिन कॉलम के टर्म में, ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं अगर मेरे को एक प्रेशर पता है, ठीक है, एक प्रेशर मेरे को पता है एक पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम के टर्म में, तो वही प्रेशर दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में कितना होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरे को प्रेशर पता है, मान लीजिए अगर प्रेशर पी है, और मेरे को अगर एक ऐसे लिक्विड जिसकी की वेट डेंसिटी क्या है, जिसकी की वेट डेंसिटी गामा वन है, इस लिक्विड कॉलम के टर्म में, इस लिक्विड के टर्म में मेरे पास क्या है, द प्रेशर इज एच1, ठीक है, तो सेम प्रेशर पी दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में, दैट मींस गामा टू जिसकी वेट डेंसिटी है, उसके केस में कितना होगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। प्रेशर पता है एक लिक्विड कॉलम के टर्म में, उसी प्रेशर को दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में हमें क्या करना है, हमें बताना है। क्लियर हो गई इतनी बात, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा हूं कि अगर मेरे को प्रेशर पता है एक लिक्विड कॉलम के टर्म में, तो उसी प्रेशर को मेरे को दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में बताना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, तो मैं कैसे करता हूं, ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं, ये चीज आपने पढ़ ली है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू, क्या पढ़ा आपने, प्रेशर का वेरिएशन आपने पढ़ा ना, डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट द रो जी पढ़ाइए, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द गामा, ठीक है, दैट रो जी किसके बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट द वेट डेंसिटी। नाउ यहां से अगर आप देखोगे तो सॉल्व करके आपने क्या लिया था, सॉल्व करके आपने लिखा था कि आपके पास क्या आया था, दैट इज नथिंग बट द रो इंटू जी इंटू एच, ये आया था कि नहीं आया था, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं दिस इज गामा इंटू एच, ये आपके पास क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं, तो जब आप लिखते हो रो जी एच या लिखते हो आप गामा एच, ठीक है, तो आप इसकी क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि डेंसिटी आपके पास क्या होना चाहिए, डेंसिटी आपके पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आपके पास ये जो प्रेशर लिखे हो, ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर जो है आपके पास गेज प्रेशर है, तो ये जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के बारे में ऑलरेडी हमने क्या किया, पहले ही हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं प्रेशर पी इज इक्वल टू गामा एच, ये लिखा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए, प्रेशर पी को पढ़ने के लिए, प्रेशर पी को पढ़ने के लिए जो गामा वेट डेंसिटी का जो मेरे पास लिक्विड है वो कितना राइज कर रहा है, वो कितना राइज कर रहा है, वो एच राइज कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं एक पीजोमीटर लगाता हूं, ठीक है, जो आगे मैं डिस्कस भी करूंगा, तो मान लीजिए आपके पास सपोज ये पीजोमीटर है मेरे पास, और इस पीजोमीटर में जो मेरे पास सपोज जो मेरे पास लिक्विड है, उस लिक्विड की वेट डेंसिटी मेरे पास गा है, क्या है मेरे पास, गामा है, प्रेशर यहां पे क्या है, यहां पे जो प्रेशर है पी, और यहां पे अगर मैं पीजोमीटर लगाया हूं, तो ये जो पीजोमीटर में जो ये जो लिक्विड है जिसकी की वेट डेंसिटी क्या है, जिसकी की वेट डेंसिटी गामा है, वो कितना राइज करेगा, तो वो जो राइज कर रहा है, कितना राइज कर रहा है, वो राइज कर रहा है एच, ठीक है, इसका मतलब ये है। अगर आपके पास यहां पे मैं लिक्विड चेंज कर दूं, सपोज मैंने लिक्विड चेंज कर दिया, लिक्विड चेंज किया, उसकी वेट डेंसिटी कितनी है, उसकी वेट डेंसिटी है गामा वन, करस्पॉन्डिंग जो मेरे को राइज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मेरे को एच वन, तो मैं क्या कर सकता हूं, सेम प्रेशर पी को पढ़ने के लिए अगर मैं गामा वन वेट डेंसिटी का लिक्विड यूज कर रहा हूं, तो वो कितना राइज कर रहा है, वो एच वन राइज कर रहा है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गामा वन एच वन लिख सकते हैं। इन सिमिलर वे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल गामा टू वेट डेंसिटी का लिक्विड यूज करता हूं, करस्पॉन्डिंग मेरे को जो राइज मिलता है वो कितना मिल रहा है, वो मेरे को एच टू मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं गामा टू एच टू, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आया, यहां से सेम प्रेशर पी को पढ़ने के लिए मैं लिख सकता हूं सेम प्रेशर पी गामा वन एच वन गामा टू एच टू इज इक्वल टू सो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से अगर आप देखते हो गामा वन एच वन इज इक्वल टू गामा टू एच टू, चलो भाई ये मिल गया मेरे को। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर, उस वाटर की वेट डेंसिटी से क्या करता हूं, दोनों साइड में क्या करता हूं, दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं,
ठीक है, तो इधर भी गामा डब्ल्यू और इधर भी गामा डब्ल्यू, और ये पता है ये गामा बाई गामा डब्ल्यू, गामा बाई गामा डब्ल्यू, इसे आप क्या लिखते हैं, इसे आप लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो यहां से क्या जाएगा, दिस इज नथिंग बट द एस वन एच वन इज इक्वल टू एस टू एच टू, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है मेरे पास दैट एस वन एच वन इज इक्वल टू एस टू एच टू। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जस्ट टेक इन एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं वन एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूं, ठीक है, जैसे मैं अगर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर को, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर को मरकरी कॉलम के टर्म में हम कितना लिखते हैं, तो मरकरी कॉलम के टर्म में लिखते हैं दैट इज 0.760 मीटर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ऑफ मरकरी कॉलम, ये हो गया। और मरकरी के लिए, मरकरी, ठीक है, मरकरी के लिए एस कितना होता है, तो एस जो मरकरी के लिए होता है दैट इज 13.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की कितनी होती है 13.6। अब देखिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसी प्रेशर को, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेरे को बताना है किसके टर्म में बताना है, मेरे को बताना है H2O कॉलम, मतलब वाटर कॉलम के टर्म में बताना है। सो वाटर कॉलम के टर्म में अगर बताना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया एस मरकरी एच मरकरी इज इक्वल टू एस वाटर एच वाटर, लिख सकते हैं। मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है ये जो प्रेशर है, जो भी प्रेशर आपके पास आपने मरकरी कॉलम के टर्म में लिखा हुआ है, उस प्रेशर को मेरे को बताना है वाटर कॉलम के टर्म में। तो यहां से देखिए एस मरकरी कितना है, ये हो गया 13.6 इंटू, ठीक है, मरकरी कॉलम के टर्म में, मरकरी कॉलम के टर्म में कितना मिल रहा है मेरे को, यह मिला है 0.760 इज इक्वल टू व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, सो दैट इज 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एच डब्ल्यू, राइट। तो यहां से एच डब्ल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने से आपके पास क्या आएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, तो ये आएगा आपके पास दिस इज 10.34 मीटर ऑफ H2O कॉलम, H2O कॉलम। बात समझ में आ रहा है, यहां से ये समझिए कि अगर मेरे को प्रेशर, अगर मेरे को प्रेशर एक लिक्विड कॉलम के टर्म में पता है, तो मैं दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में प्रेशर को क्या कर सकता हूं, प्रेशर को बता सकता हूं। जैसे मेरे को अगर मैं वन एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूं, तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर मेरे को किस कॉलम के टर्म में पता था, मेरे को मरकरी कॉलम के टर्म में पता था, मेरे को बताना था किसके टर्म में, मेरे को बताना था वाटर कॉलम के टर्म में, तो वाटर कॉलम के टर्म में आपके पास पता चल गया, ठीक है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही आप किसी और लिक्विड कॉलम के टर्म में भी बता सकते हो, लेकिन हां उस लिक्विड का आपको क्या पता होना चाहिए, उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपको क्या होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो समझिए अगर मेरे को प्रेशर गिवन है एक पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम के टर्म में, तो मैं दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में क्या कर सकता हूं, दूसरे लिक्विड कॉलम के टर्म में उसको इजीली बता सकता हूं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नाउ अब यहां पे अगर हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन, ठीक है, तो हम यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ के ऊपर, ठीक है। तो फ्री सर्फेस है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपके पास क्या होता है, तो आपके पास जो प्रेशर है वो क्या होता है, प्रेशर जो है वो राइज करता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर, मैं तीन डिफरेंट कंटेनर्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, डिफरेंट शेप के कंटेनर्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा कंटेनर है जिसका कि शेप यू शेप है, ठीक है, और एक और कंटेनर है जो मान लीजिए आपके पास, चलिए ये आपके पास मैंने कोई एक रैंडम शेप मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से आपके पास तीनों ही कंटेनर की अगर मैं बात करता हूं, तो आपके पास सेम लिक्विड, ठीक है, सेम लिक्विड भरा हुआ है, सेम लिक्विड क्या है, सेम लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, इसका फ्री सरफेस ये है, यहां पर फ्री सरफेस ये, यहां पर फ्री सरफेस ये, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, तीन पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं, तो ये हो गया आपके पास, मान लीजिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये पॉइंट आपके पास सी है। तीनों ही पॉइंट का अगर मैं फ्री सरफेस से डिस्टेंस देखता हूं, फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है
ये मान लीजिए एच, यहां पे भी आपके पास क्या है, यहां पे भी आपके पास एच, और यहां पे भी आपके पास क्या है, यहां पे भी आपके पास एच। ठीक है, कंटेनर का शेप अलग अलग है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंटेनर है, यू शेप कंटेनर है, और ये कोई रैंडम कंटेनर है। सो कंटेनर का शेप डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए पे जो प्रेशर होगा, बी पे प्रेशर होगा, और सी पे जो प्रेशर होगा, उसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, अगर आप ध्यान से देखते हो, सेम लिक्विड भरा हुआ है ना, यहां पे जो लिक्विड है उस लिक्विड की वेट डेंसिटी गामा, यहां पे जो लिक्विड फिल है उसकी वेट डेंसिटी गामा, यहां पे भी गामा। सो लिक्विड सेम है, बस कंटेनर का क्या है, कंटेनर का जो शेप है और साइज जो है वो क्या है, अलग अलग है। क्वेश्चन ये था कि ए बी और सी पे जो प्रेशर होगा, उस ए बी सी और पे जो प्रेशर है, उस प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। सो व्हाट इज द आंसर, समझिए ध्यान से। ठीक है, अगर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हो, तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एच पे, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास गामा कॉन्स्टेंट है तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तीनों ही केस में आपके पास क्या है, तीनों ही केस में आपके पास एच क्या है, तीनों ही केस में आपके पास एच सेम है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, आपके पास क्या होगा, तीनों पे ही आपके पास क्या होगा, तीनों भी आपके पास प्रेशर जो है वो सेम होगा, ए बी सी तीनों ही पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, प्रेशर जो है वो सेम होगा। क्लियर है पॉइंट, तो समझिएगा ध्यान से, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उस वर्टिकल डेप्थ पे डिपेंड करता है। गेटिंग माई पॉइंट, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर की बात करता हूं, यहां से अगर मैं दो कंटेनर की बात करता हूं, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है और इस कंटेनर में आपके पास क्या है, इस कंटेनर में आपके पास एयर है। लिक्विड मान लीजिए आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास वाटर है, आपके पास यहां पे मैंने एक प्रेशर गेज लगाया हुआ है, ये मेरे पास एक प्रेशर गेज है। ठीक है, और मान लीजिए ये जो प्रेशर गेज है, इस प्रेशर गेज की जो रीडिंग है, मान लीजिए दिस इज 120 किलो पास्कल, चलिए ये जो प्रेशर गेज है, इस प्रेशर गेज की रीडिंग है 120 किलो पास्कल। अगर मैं बात करता हूं यहां से, ठीक है, ये आपके पास वर्टिकल हाइट हो गया, ये वर्टिकल हाइट मान लीजिए आपके पास दिस इज 5 मीटर, और यहां पे जो प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये जो प्रेशर गेज है, इस प्रेशर गेज की आपको रीडिंग क्या करनी है, इस प्रेशर गेज की आपको रीडिंग बतानी है। ठीक है, यहां पे प्रेशर गेज लगा हुआ है जिसका कि आपके पास प्रेशर कितना शो कर रहा है, 120 किलो पास्कल, यहां से 5 मीटर पे यहां पे मैंने दूसरा प्रेशर गेज लगा के रखा है, तो यहां पे आपको क्या बताना है, यहां पे आपको प्रेशर बताना है। ठीक है, आपके पास क्या है, जो लिक्विड है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वाटर है। सेम चीज यहां पे बात करता हूं, यहां पे मान लीजिए यहां पे मैंने प्रेशर गेज लगाया और प्रेशर गेज लगाया, ये भी कितना शो कर रहा है, ये 120 किलो पास्कल शो कर रहा है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे भी मैं प्रेशर गेज लगाता हूं, तो ये प्रेशर गेज की रीडिंग मेरे को बतानी है। अगेन ये जो आपके पास वर्टिकल हाइट है, ये आपके पास कितना है, दैट इज 5 मीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब देखिए यहां से मुझे यहां पे प्रेशर बताना है, प्रेशर अगर मेरे को यहां पे बताना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी यूज कर सकते हैं, दैट डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये चीजें देखी हुई है। अब देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं, डीपी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज रो जी, और ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास डी वाई। नाउ अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, बट यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं क्या, कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी के वेरिएशन के बारे में कोई बात नहीं किया, और डेंसिटी के वेरिएशन के बारे में जब तक बात ना किया जाए तब तक हम क्या मान के चलते हैं, तब तक उसको हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, जब तक डेंसिटी के वेरिएशन के बारे में आपसे बात ना किया जाए तब तक आप डेंसिटी के वेरिएशन को कंसिडरेशन में लेके नहीं चलेंगे। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है, राइट? तो यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो देखिए आपके पास क्या हो गया, यहां पे जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज 120 किलो पास्कल, यहां पे प्रेशर मेरे को बताना है, यहां पे मान लीजिए प्रेशर पी है, ये मेरे को बताना है। ठीक है, 120 किलो पास्कल, ठीक है, ये हो गया आपके पास, मान लीजिए इसको मैं बोल लेता हूं ये जीरो। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे तो नीचे की तरफ आ रहे तो क्या लिखोगे, प्लस फाइव या माइनस फाइव, प्लस फाइव या माइनस फाइव, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस फाइव। क्यों प्लस फाइव? क्योंकि यहां पे आपने क्या लिखा है, डीपी बाई डीवाई इक्वल टू प्लस रो जी। क्या मेरी बात समझ पाए हो? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी माइनस 120 इज इक्वल टू रो कॉन्स्टेंट है, बाहर फेंकिए क्योंकि डेंसिटी को हम कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं, बाहर आप फेंकोगे जी कॉन्स्टेंट है, आप बाहर फेंक दीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, ये हो गया फाइव। ठीक है, फाइव माइनस जीरो। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया पी माइनस 120 इज इक्वल टू नाउ रो जी, तो रो जी कितना होता है। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये 120 क्या है, 120 किलो पास्कल, ये आपने लिखा है ये किलो पास्कल में, तो इधर भी कितने में होना चाहिए, किलो पास्कल में। ठीक है, नाउ रो जी, तो आपके पास पता है रो जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 9810, हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9.810 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, दिस इज 9.81 मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय 5। सॉल्व कर पाओगे, तो अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास P माइनस P इज इक्वल टू ये हो गया 120 प्लस ये हो जाएगा 9.81 इंटू 5। ये लीजिए,
ठीक है, या फिर राउंड फिगर में काम करता हूँ, अगर मैं जी की वैल्यू को 10 ले लेता हूँ तो भी आसानी से मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा 50 और दिस इज अराउंड 170। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, जो प्रेशर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई आपके पास जब यहाँ पे आपके पास प्रेशर निकालना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास वाटर है। सो देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे फ्रेम हो सकता है, कल के दिन में आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर दे देगा, यहाँ पे प्रेशर दे देगा, बोलेगा ये बताइए। ठीक है, ये जो वर्टिकल हाइट है इस वर्टिकल हाइट को बताइए, या फिर आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा आपके पास, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेशर दे दिया, ये वर्टिकल हाइट दे दिया, इस प्रेशर को आपको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो, ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो, आप आसानी से जवाब दे सकते हो। या फिर कल के दिन में आपके प्रॉब्लम में ये बोल दिया कि डेंसिटी वेरी कर रही है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, डेंसिटी को दे दिया फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, तो भी आप चीजों को डील कर सकते हो। डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो डेंसिटी उस समय बाहर नहीं निकलेगा, उस समय आपको उसे अंदर में लेकर इंटीग्रेट करना होगा। समझ पा रहे मेरी बात? ठीक है, तो जैसा आपको प्रॉब्लम में दिया है बिल्कुल आप वैसे क्या कर सकते हैं, आप वैसे उसमें उसको डील कर सकते हैं। राइट, अब देखिए यहां से ये तो बात हो गई भैया, जब आपके पास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड मतलब ठीक है, जिसकी की डेंसिटी आपके पास क्या है, डेंसिटी आपके पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस की डेंसिटी से। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास एयर है। ठीक है, नाउ एयर है, अब देखिए एयर की डेंसिटी, मान लीजिए एयर की जो डेंसिटी है, ठीक है, आपको पता है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास होता है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने बात किया हुआ था। ठीक है, डेंसिटी अगर मैं एयर की बात करता हूं तो 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, और घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर देखिए, देखो तो यहां पे प्रेशर क्या है, यहां पे प्रेशर आपके पास 120 किलो पास्कल है, यहां पे प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। अगेन आप देखिए सेम कॉन्सेप्ट, डीपी बाई डी वाई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दिस इज रो जी। ठीक, इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो गया डीपी इज इक्वल टू, ये हो गया रो जी डी वाई। नाउ इंटीग्रेट करिए इसको, नाउ इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो आपके पास अगेन ये हो गया जीरो, सॉरी यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर कितना, ये प्रेशर है 120, आप नीचे है, यहां पे प्रेशर आपको बताना है। ठीक है, 120 के करस्पॉन्डिंग एच जो है जीरो, आपके पास यहां पे ये हो गया 5। नाउ यहां से देखिए तो ये हो गया P माइनस 120, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाउ रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बार फेंकिए, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, और ये हो गया आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 0, तो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास 5। अब देखिए यहां से, नाउ P इज इक्वल टू 120 प्लस, ये हो गया 120 इधर के, ये हो गया रो जी और ये हो गया 5। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, That is 120, ये किस में है, ये आपके पास किलो पास्कल में है, ये आपके पास किलो पास्कल में, तो ये भी किसको में चाहिए, ये भी आपको चाहिए किलो पास्कल में। अगर ये किलो पास्कल में है तो ये भी अभी आपको किलो पास्कल में चाहिए। प्लस अब देखो रो आपके पास कितना है, रो आपके पास है 1.2, जी की वैल्यू 9.81 इंटू 5 इंटू, ये किस में आ जाएगा, अगर आप लिखते हैं 1.2 इंटू 9.81 इंटू 5, ये किस में आ गया, ये आ गया पास्कल में, बट चाहिए किस में, किलो पास्कल में, किलो पास्कल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 10^-3। क्लियर हो गई बात? अब देखिए 120 प्लस, ना इसको आप सॉल्व करोगे तो, सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास कितना आ रहा है, 120 प्लस 1.2 इंटू 9.81 इंटू 5 इंटू 10^-3 कितना आ रहा है, दिस इज अराउंड 120.05। ठीक है, ये जो आ रहा है 120.058 किलो पास्कल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां पे प्रेशर है 120 और यहां पे प्रेशर कितना आ रहा है, यहां पे प्रेशर आ रहा है 120.058। क्लियर है पॉइंट? कब, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास एयर है। लेकिन अगर आपके पास यही आपके पास क्या था, लिक्विड था, तो लिक्विड के केस में कितना था, दिस इज 129. मान लीजिए इसको अगर आप 10 मान लेते हो तो 5 × 10 = 50 = 170 किलो पास्कल। तो यहां पे जो वेरिएशन है प्रेशर में, जो वेरिएशन है, दैट प्रेशर में वेरिएशन है, वो सिग्निफिकेंट है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज नॉट, दैट वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर यहां पे प्रेशर आप देख रहे हो 120, तो यहां पे प्रेशर कितना आ रहा है 120.058, दैट वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज नॉट सिग्निफिकेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जब भी एक चैम्बर है आपके पास, ठीक है, और उस चैम्बर में अगर आप गैसेस फील है, तो अगर गैसेस फील है और आपके पास जो हाइट है, दैट हाइट इज मॉडरेट, ठीक है, ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपके पास लो हाइट है या आपके पास मॉडरेट हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं, जो प्रेशर का जो वेरिएशन है, उस प्रेशर के वेरिएशन को हम क्या मान सकते हैं, दैट प्रेशर वेरिएशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यहां पे भी प्रेशर आपके पास 120, यहां पे भी 120, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी 120, हम क्या मान सकते हैं, 120 मान सकते हैं। ठीक है, 5 मीटर फिर भी बहुत होता है यार, ठीक है, 5 मीटर फिर भी बहुत होता है। अब 5 मीटर, अब सोचिए 5 मीटर में आपके पास कितना है, 120.058, तो आपके पास अगर ये हाइट जो है और कम होगा तो आपके पास क्या होगा, दैट इज ऑलमोस्ट 120 के आसपास ही आएगा। तो जो प्रेशर का वेरिएशन है, वो प्रेशर का वेरिएशन सिग्निफिकेंट नहीं है, द प्रेशर वेरिएशन इज यूनिफॉर्म।
ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, गैसेस की, जब भी हम बात करेंगे, गैसेस हो गया, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में हम क्या मान के चलते हैं, गैसेस के केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो गैसेस की डेंसिटी, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है कि गैसेस की जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो प्रेशर का वेरिएशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में। होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस।